ये बहुत बढ़िया बहुत अच्छा काम है। जो अनहार बच्चे हैं उनका नंबर पढ़ रहा, जो फ्राड़ी बच्चे थे वो भाग रहे हैं, वो भाग रहे। ये बहुत अच्छी बात है भाई। होनहार बच्चों को तो कम से कम नौकरी मिल रही है, अगर होनहार है तो कार्य भी होनहार ही करेगा। नहीं, आपको तो ये काम अच्छा लग रहा है, आपको तो ये काम अच्छा लग रहा है कि होनहार बच्चों को नौकरी दे रहे हैं, मेरिट पर दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लिए जिनको खराब लग रहा है। बताऊं कौन है जिनको ये काम खराब लगता है? बताऊं कौन है? सबसे पहले तो मेरे रिश्तेदार, फिर मेरे यार दोस्त, जो ज्यादा नजदीक हैं वो ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि क्रम बदल गया। कांग्रेस में वो खुश होते थे और जनता नाराज होती थी, उनके रिश्तेदार खुश होते थे, उनके नजदीक रहने वाले सब खुश होते थे, या उल्टा है, वहां उनसे जनता नाराज होती थी, यहां जनता राजी है और जो नजदीक रहने वाले, क्योंकि नजदीक रहने वाले को लगता है कि अच्छा मेरा रिश्तेदार, मेरा किसी का मैं मामा लगता हूं, किसी का चाचा लगता हूं, किसी का ताऊ लगता हूं, वो सब कहते हैं मेरा ताऊ मुख्यमंत्री और मेरा ये एक बेटा मेरी नौकरी नहीं लग रहा। वो कहता है मेरा मामा मुख्यमंत्री और हमारा ये बच्चा नौकरी नहीं लग रहा, तो नाराज होंगे ना। मैं कहता हूं भाई देखो ये लाइन लगी हुई है, इस लाइन में चल पड़ो, आपका बच्चा आगे आ जाएगा तो जरूर लगेगा। ऐसा नहीं कि रिश्तेदारों के बच्चे लग नहीं सकते, लग सकते हैं, लेकिन लगेंगे कैसे? नियम एक ही है। शुरू शुरू में करनाल के लोगों ने भी कहा कि हमारे बच्चे क्यों नहीं लगेंगे, आप हमारे एमएलए हैं। मैंने उस समय कहा था भाई उसी लाइन में आ जाओ। आज जनता कहती अच्छा है, तो हमें जनता अच्छा है ये अच्छा लगता है, या रिश्तेदार और मित्र प्यारे वो अच्छा कहें वो अच्छा लगता है? क्यों, मुझे आपने मुख्यमंत्री जनता के लिए बनाया है कि मेरे रिश्तेदारों के लिए बनाया है? जनता के लिए ना। अब ये सैद्धांतिक बात है, ये कोई सोचता नहीं है, हमने इसको करके दिखाया।